हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। क्लास 12th के एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ओजेनेसिस। आज अपन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओजेनेसिस जो दोनों टॉपिक हैं वो आपस में हमको को रिलेट करके आगे अपन को पढ़ना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बोल सकते हैं कि ओजेनेसिस के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ओजेनेसिस में जो जो प्रोसेस हुई थी, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल्स या फिर टर्सरी फॉलिकल्स, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, तो वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फिर से आपको रिकॉल होगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से वहाँ से समझा दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से ओजेनेसिस की वीडियो को देख के दोनों को आपस में समझ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक चीज़ और, ओजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो दोनों घटनाएं हैं या इवेंट हैं या षड्यंत्र हैं बोलना चाहिए, भगवान के द्वारा दिया हुआ फीमेल्स को, इनको कंट्रोल या मेंटेन करके कौन रखता है या इन पे नज़र कौन रखता है? मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पीरियड पे, प्यूबर्टी एज में। ठीक है, पीरियड नहीं बोलना चाहिए, प्यूबर्टी एज। पहले मानी जाती थी 10 to 14, अब जो एज है प्यूबर्टी एज फीमेल्स की वो 9 to 13 या 14। ठीक है, इस एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में ये आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल्स में स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मीनार्की कहलाता है। ये टर्म जो है आप ध्यान रखना कि मीनार्की किसको कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल्स में स्टार्ट हो जाना मीनार्की कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इन जनरल होती है वो 28 to 29 डेज की होती है। ये वेरी करती है, वेरी मतलब कैसा बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रिशन पे, कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, मतलब खाना पीना कैसा है, सोना उठना। ठीक है, मतलब इन जो अपनी डेली की रूटीन है उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस पे। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से सबसे पहले गड़बड़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए आजकल जो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ी के होते हैं। ठीक है, तो या मतलब उसके कारण क्या होता है, ये जो साइकिल है वो 25 डेज की भी हो सकती है किसी किसी में, या किसी किसी में 29 से ज़्यादा 35 डेज की, या किसी को 40 डेज में ये साइकिल रिपीट होती है। तो वो जो है वो एक्सेप्शन केसेस हैं, मतलब एक्सटेंड कर जाती जो डेज। ठीक है, तो जो जनरल चीज़ें हैं वो इन जनरल जो ये जो साइकिल होती है वो 28 to 29 डेज होती है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग के जो ये जो साइकिल है इसके स्टार्टिंग के जो 1 to 3 या 1 to 5 डेज होते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उस फेज को ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। इस साइकिल को पढ़ते समय आपको तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब तीन चीज़ों पे ही फोकस करना है, ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड यूटेरस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इन तीनों के द्वारा ही सिक्रेशन किया जाता है, मतलब ओवरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेशन किए जाते हैं, तो इन तीनों के बारे में ही पढ़ना, इन तीनों को ही बिल्कुल नज़र में रखते हुए पढ़ना कि किसमें क्या प्रोसेस हो रही है, किसमें क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्या देखा, मीनार्की स्टार्ट होती प्यूबर्टी में, वैसे ही ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है या बंद हो जाती है फीमेल में 45 to 50 ईयर्स की एज पे। ठीक है, इसके बंद होने को कहा जाता है मीनोपॉज। ठीक है, इसका मतलब, बंद होने का क्या मतलब है, कि फीमेल में या उस महिला में अब प्रेग्नेंट होने की या गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई है। क्योंकि ओजेनेसिस के टाइम में अपन ने देखा था वहाँ पे कि एक लिमिट में 60 to 80 thousand जो फॉलिकल्स थे वो बचे हुए थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक
जो ओव्यूलेशन है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद किसी भी प्रकार के एग की या ओसाइट की ओव्यूलेशन की क्षमता नहीं होती फीमेल्स में, ठीक है। तो 45 to 50 ईयर्स के एज के बाद फीमेल्स में गर्भधारण करने की क्षमता या प्रेग्नेंट होने की क्षमता जो है वो नहीं होती। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने को क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है, मीनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केस आपने सुने होंगे, जैसे कि 65 इयर्स की एक लेडी थी इटली की, उन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। तो अगर इसके बारे में अगर आपने को सुना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चार्ट के द्वारा मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है इसको। प्यूबर्टी में मिनार्की होती है, कि 28 डेज की साइकिल होती है 1 to 5, ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज होती है। एग्जैक्ट अगर 28 डेज की साइकिल है तो क्या होता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और मीनोपॉज जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है, पीरियड जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और मैं प्रेग्नेंट होने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, मैं इससे आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये काम करता है। सबसे पहले फॉलिकल्स पे अपन ध्यान देते हैं, जो ऊजेनेसिस की प्रोसेस है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड पे जोर डालिए कि ऊजेनेसिस पे आपने क्या देखा था। ग्रोइंग फॉलिकल्स, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स या ग्राफेन फॉलिकल्स बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से एलएच और एफएसएच हार्मोन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका ही नाम होगा। ये जो हार्मोन है वो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सुना होगा, ठीक है। ये दोनों हार्मोन वहाँ पे भी काम करते हैं और यहाँ पे भी काम करते हैं, ओजेनेसिस में भी काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एफएसएच और एलएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ये दोनों हार्मोन, और ये काम करते हैं किस पे, यहाँ, ठीक है। एफएसएच जो है वो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, ये काम करते हैं फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल्स को बनाने के लिए, फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए। तो ये कब तक काम करेंगे, जब तक कि ये जो मैच्योर फॉलिकल है वो मैच्योर ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, टर्सरी फॉलिकल्स ना बन जाए, तब तक एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग फॉलिकल्स को बनाने का काम करेंगे, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है। एलएच की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो थीका सेल्स है, ओजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ये जो थीका सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स से एक हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रीट किया जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा, जो कि नेगेटिव फीडबैक प्रभाव या इफेक्ट करता है ऑन एलएच सिक्रीशन। मतलब ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई तुम एलएच का सिक्रीशन अब बंद करो या कम करो, ठीक है। क्योंकि एलएच का काम कब है, ओव्यूलेशन के टाइम पे, अभी जो है वो ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ, तो अभी एलएच का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोजन है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन किसे निकल रहा है, ग्रैनुलोसा सेल्स से, धीरे धीरे सेल्स ये जो मैच्योर हो रहे हैं फॉलिकल्स, उसकी ग्रेनुलोसा सेल्स, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो जितनी ज़्यादा होगी ग्रेनुलोसा सेल्स की संख्या, जितनी ज़्यादा होगी एस्ट्रोजन उतना ज़्यादा निकलेगा, और जितना ज़्यादा निकलेगा क्या ज़्यादा निकलेगा, एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स से निकल रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स ज़्यादा है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा निकलेगा, और जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन निकलेगा वो पहले क्या बोलता है कि एलएच का सिक्रेशन बंद करो। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये मैच्योर फॉलिकल जो आ गए यहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल या एंड्रम, ठीक है, मैंने, ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब ये क्या करते हैं, अब ये एलएच, अब एस्ट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, अब ये जो एस्ट्रोजन है वो इस पर पॉजिटिव फीडबैक डालते हैं कि अब हमको एलएच की ज़रूरत है। पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि एलएच कम करो, ठीक है, अब इनको फॉलिकल एफएसएस की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है, एफएसएस धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल जो है वो बढ़ चुके हैं भाई, अब नहीं बढ़ेंगे और ज़्यादा, ठीक है। तो एलएच जो है वो क्या करता है, सॉरी, एस्ट्रोजन जो है वो पिट्यूटरी पे अब बोलता है कि अब हमको एलएच की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये उस साइड है, हमसे नहीं संभल रहा अब ये, ठीक है, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो एलएच इस जगह पे, ये 14 डेज की बात है, 13 डेज की बात है, और
फोर्टींथ डेज पे, ठीक है, फोर्टींथ डेज पे अचानक से क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक के बाद क्या होता है, अचानक से LH का जो लेवल है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, पीक लेवल पे, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, और उसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है। अब ये जो बची हुई बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है ग्रैनुलोसा सेल्स का, थीका सेल्स का, या जो भी जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इससे एक हार्मोन, मतलब ये जो प्रोसेस अपन ने देखी वो किसकी है, ओवरी की है। अब एक चीज़ तो यहाँ हो रही है ओवरी में, अब एक तैयारी यूटेरस में भी हो रही है कि भाई अगर ये सही टाइम पे फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया यू ऊसाइट, और सही टाइम पे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब एक की फीमेल तो यहाँ पे मिल गई, और अगर फेलोपियन ट्यूब में सही टाइम पे स्पर्म भी पहुंच गया, मतलब 14 डेज में, 14 से 15 डेज की बात करें अपन, ठीक है, 14 डेज में निकल गया, 14 से 15 डेज में अगर सही टाइम पे स्पर्म भी वहाँ पहुँच गया, किस कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने आपको बता चुका है कहाँ, ठीक है, तो एम्पुलरी स्थिमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, सही टाइम पे अगर स्पर्म भी वहाँ पहुँच गया तो भाई ये कहाँ रहेंगे, अब ये दोनों तो हो गया, अब ये जो बच्चा होगा उस वो कहाँ रहेगा, उसका लालन पोषण जो है वो कहाँ पे होगा, यूटेरस में होगा। तो ये प्रोसेस जो हुई ओवरी की हुई, एक प्रोसेस चल रही है यूटेरस में कि अगर ये बच्चा बन गया तो वहाँ पे उसके रहने की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो उसका काम करता है कौन, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन मतलब अभी तक ये एस्ट्रोजन निकाल रहा था, अभी भी ये थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन निकालेगा, ये ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन बंद कर देगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में निकालता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन निकालता ही है, ठीक है। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन निकाल रहे थे, कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन निकालना भी शुरू कर देता है, लेकिन एस्ट्रोजन निकालना बंद नहीं करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन जो बी है, ये आपको अभी आपके लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप खाली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ध्यान रखिए, और ये क्या करते हैं, ये रिलीज होते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं यहाँ पे, और इसके द्वारा फिर से वो यूटेरस में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ के लिए, यूटेरस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी के लिए, ताकि ये जो गैमेट है दोनों, मतलब दोनों गैमेट जो बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन वगैरह जो चीज़ है वो आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, तो प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है कहाँ पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। और अगर स्पर्म नहीं पहुंचा, मतलब मेल गैमेट नहीं आया, तो ये जो है वो रिलीज हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, फीमेल गैमेट मर जाएगी, और क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है कुछ टाइम तक प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और फिर से बंद हो जाएगा, ये प्रोसेस बंद हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आई आपको, अब इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। दो चीज़ अपन देख चुके हैं यहाँ पे, फर्स्ट तो है ओवेरियन साइकिल देखनी है, सेकंड जो है वो देखनी है क्या, यूटेराइन साइकिल। तो फर्स्ट तो अपन देखते हैं ओवेरियन, ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन एंड फिर ल्यूटियल फेस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम गोनेड्रोपिन हार्मोन जो है, GnRH, FSH पहले अपने को जरूरत है यहाँ पे, ये 14 डेज की बात है ओव्यूलेशन, ठीक है। FSH से क्या हो रहा है, धीरे 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 ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, इन दोनों को साथ में देखते हैं, धीरे धीरे ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, अब ये बड़ी हो गई फॉलिकल्स, ठीक है, मतलब ये टर्शरी फॉलिकल्स, एंट्रम बन गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंट्रम बन गया, टर्शरी फॉलिकल्स हो गया, अब इसका जो लेवल है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो लेवल डाउन हो जाता है। क्यों डाउन, इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करना, क्यों डाउन हो गया भाई, क्योंकि फॉलिकल जो है वो अब बड़े हो गए हैं, अब इनको ज़रूरत नहीं है भाई इसकी, ठीक है। तो जो FSH है उसका लेवल कम हो गया, फिर भी यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे 14 डेज पे, यहाँ इससे यहाँ देखना, ये फोर्टीन ओव्यूलेशन जो है 14 डेज पे स्टार्ट हुआ, तो अचानक से जैसे मैंने बताया वहाँ पे आपको LH का लेवल धीरे 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 चल रहा था, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो अभी तक इस पे नेगेटिव फीडबैक डाल रहा था कि हमको LH नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको अभी FSH चाहिए भाई, ठीक है। तो अचानक से 14 डेज पे LH, यहाँ से जो एस्ट्रोजन निकाल रहा है वो अचानक से पिट्यूटरी को बोलता है, ऑर्डर करता है हमको LH चाहिए अचानक, ठीक है। तो LH जो है वो
पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और इस एलएच के पीक लेवल 14 डेज पे पहुंचने के कारण ये जो ओव्यूलेशन है ये हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाती है। ओव्यूलेशन से क्या निकल रहा है यहाँ पे, सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है, ओव्यूलेशन, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, फॉलिकल्स का निर्माण हुआ, फिर ओव्यूलेशन हुआ। अब ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के नाम से ही ल्यूटियल फेज बना है। ये चीज़ थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, ये ध्यान रख मतलब बताने लायक है मगर, कि एक तो ल्यूटियल यहाँ प्रेजेंट होता है और एक अपनी आइज में ल्यूटियल पिगमेंट जो होता है, मैक्यूलर ल्यूटिया होता है, वो प्रेजेंट होता है आंखों में, ठीक है। दो जगह पे ल्यूटियल नाम जो टर्म है वो आएगा, एक आइज में मैक्यूला ल्यूटिया नाम का पिगमेंट होता है और एक यहाँ पे कापस ल्यूटियम, ठीक है। तो कापस ल्यूटियम है, इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेस कहा जाता है। और ये जो इससे क्या निकलता है, कापस ल्यूटियम से मतलब यहाँ से, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, ओजेनेसिस में ध्यान है आपको कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो ग्रैनुलोसा सेल्स से निकल रहा था इस्ट्रोजन यहाँ पे, ठीक। अब कापस एल्बिकेंस जो है, ये निकलने के बाद भी इसमें भी ग्रेनुलोसा सेल्स है ना, तो ग्रेनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन तो निकल ही रहा है, मगर मेनली इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो है प्रोजिस्टेरॉन, ठीक है। ओवेरियन साइकिल की बात हो गई है, थोड़ा सा देखते हैं ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल, ठीक है। तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल से निकल रहा था, और ग्रेनुलोसा सेल्स यहाँ पे बढ़ती जाती हैं ओजेनेसिस में, अपन ये देख चुके हैं कि फॉलिकल जितनी बड़ी होती जा रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स का जो लेयर है वो बढ़ते जाता है, तो एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स की मात्रा या संख्या या लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और ये जो ब्राउन है वो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल जीरो, यहाँ पे नील था ये, ठीक है। ये बढ़ता है कब, जब से कापस ल्यूटियम आया तब से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बढ़ा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ा, बढ़ गया था जबकि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, उसके बाद एस्ट्रोजन कम हो गया। अब फिर भी एक ये हाई लेवल था इसका, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 ये कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है इससे। और इसलिए भी निकलता है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो भाई इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेन हार्मोन है, किस चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो एंडोमेट्रियम है ना यूटेरस की, उसको बनाए रखने के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के समय ये बहुत आवश्यक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे को पालने पोषण करने की इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है ये जो हार्मोन है वो, है ना, कि मैं पूरी हेल्प करूँगा यूटेरस की। एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है यहाँ पे, फिर भी धीरे धीरे इसका ये जो है वो सिक्रीट करते रहता है, जो रेड कलर का वो एस्ट्रोजन है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर जो है वो धीरे 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 जीरो होते जाता है, क्योंकि फिर से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। ये हुई ओवेरियन हार्मोन की बात। अब ये जो है वो मैंने एंडोमेट्रियम दिखाया है, तो यूटेराइन साइकिल की बात करते हैं, ये यहाँ पे ये लेवल बराबर है, तो ये जो ये रप्चर्ड होती है, ब्लीडिंग फेज जो है 1 to 5 डेज में, वो जो रप्चर होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम ही यहाँ पे टूट टूट के इसकी जो वॉल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो टूट के निकलता है मेंसेस या ब्लीडिंग फेज में, ठीक है। उसके बाद 6 to 7 डेज, सॉरी 7 to 14 डेज जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो जाता है, और उसके बाद वाली फेज को फिर से ल्यूटियल फेज एज इट इज कहा जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो फेज है, यूटेराइन फेज जो है, मेंसेस होते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जीरो मतलब इससे पहले वाला जो टाइम था, मतलब इससे पहले से जो साइकिल खत्म हुई थी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे एक बार फिर से इमेजिन करें, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एंडोमेट्रियम पूरी तरह से बन गई थी, किस कारण बन गई थी, प्रोजेस्टेरॉन के कारण, क्योंकि ये यहाँ देखो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इस लेवल को बनाना, ठीक है। यहाँ के इस जगह के बाद से प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब इस जगह के बाद इस ये जो एंडोमेट्रियम में बनने शुरू हो गई, तो यहाँ पे भी ये बनी हुई थी होगी, यहाँ के बाद प्रोजेस्टेरॉन फिर से जीरो होने लगता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जीरो हुआ मतलब क्या हुआ कि अपने को ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी अगर ध्यान रखें कि फर्टिलाइजेशन का जो टाइम है, 14th डेज पे ओव्यूलेशन हो गया, 14 to 15 डेज, वैसे तो 24 आवर्स का इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है, लेकिन अगर 48 डेज बोला जाता है तो 14th डेज पे अगर फर्टिलाइजेशन, 14 to 15 डेज पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ही प्रेग्नेंट होगी कोई लेडी, ठीक
ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर नहीं होगा तो फीमेल गैमेट जो है वो बचेगा ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 14 to 15 days पे सेक्स हुआ तो प्रेग्नेंट होने की जो है वो चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सॉरी ओव्यूलेशन हुआ 14 to 15 days पे, तो यहाँ पे इसका टूटने का कारण क्या है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन फिर से जीरो हो गया, क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है प्रोजेस्टेरोन को, यूटेरस को जरूरत नहीं पड़ी प्रोजेस्टेरॉन की, क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन का जीरो लेवल हो जाता है और ये जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से टूट जाती हैं। टूट के फिर से यहाँ प्रोलिफरेटिव मतलब फिर से फॉलिकल फेज स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकल फेज यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर से वो मतलब फॉलिकल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये टूटने लगती है, फिर से फॉलिकल फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर से ओव्यूलेशन हो जाता है और ल्यूटियल फेस होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। ऊजेनेसिस, और इसको बिल्कुल आप रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद जो है वो अपन टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।